Hello students, welcome to RN's classes. Today we will discuss about the character sketch of Seth Govindram from the chapter The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. तो चलिए करते हैं इसका character sketch. Seth Govindram जो है वो The Boy Who Broke the Bank जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है उसके कहानी के चरित्र में से चरित्रों में से एक चरित्र है. After reading the story, we come to know that he is not a good employer. हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद पता लगता है कि वो एक बहुत अच्छा employer नहीं है. He is so ignorant about his profession and is responsible for the inconvenience of his bank manager and other employees of the bank. अब वो क्योंकि अपने business के प्रति लापरवाह है और इसी वजह से जो बैंक मैनेजर होता है उनको थोड़ी परेशानी होती है, बैंक के बाकी कर्मचारियों को भी परेशानी होती है. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कैरेक्टर, और यहाँ पे उसके कैरेक्टर की, उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं जो ये हैं. ऑनर ऑफ अ बैंक, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि सेठ गोविंद राम जो है वो उस बैंक का ऑनर है जो कि पीपल नगर में है, और उसका बिजनेस डीलिंग्स जो हैं वो बड़ी ही बेतरतीब हैं, यानी कि तरतीब बार उसकी डीलिंग्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कि उसकी बर्बादी होती है. नॉट अ गुड एम्प्लॉयर, वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर नहीं है. सेठ गोविंद राम्स बैंक इज रनिंग स्मूथली, सेठ गोविंद राम का बैंक जो है वो अच्छे से चल रहा है. देयर इज प्लेंटी ऑफ कैश इन हिज बैंक बट द स्वीपर बॉय इज नॉट पेड हिज सैलरी ऑन टाइम. उसके बैंक में कैश तो बहुत है लेकिन बैंक का जो स्वीपर बॉय है उस तक को जो सैलरी है वो प्रॉपर टाइम पे और रेगुलरली नहीं मिलती है. वी कम टू नो अबाउट हिज दिस फ्रॉम द कन्वर्सेशन ऑफ द स्वीपर बॉय नाथू. इसका हमें कब पता चलता है, जब हम स्वीपर बॉय नाथू की वार्तालाप सुनते हैं. किसके साथ? विद द सन ऑफ द वॉशरमैन नेम्ड सीताराम, एक धोबी के लड़के सीताराम के साथ. नाथू टेल्स सीताराम दैट ही डजंट रिसीव हिज सैलरी रेगुलरली. नाथू सीताराम को बताता है कि वो अपनी सैलरी जो है, जो उसका वेतन है, वो नियमित तौर पे नहीं प्राप्त करता है. ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट द बैंक हैज़ होल्ड हिज सैलरी, वो कहता है कि बैंक ने उसकी सैलरी जो है वो रोक रखी है. अब क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिली इसलिए वो अपने फ्रेंड को उस बात की चर्चा जो है वो करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर काउटिक सिचुएशन इन द टाउन, जो टाउन है उसमें एक जो अस्त व्यवस्था जो है उसको उसके रीज़न बनता है वो कि वन इनोसेंट रिमार्क बाय द स्वीपर बॉय ऑफ द पीपल नगर बैंक रिजल्ट्स इन द कलैप्स ऑफ द बैंक. अब एक इनोसेंट रिमार्क है जो स्वीपर बॉय करता है उस पीपल नगर बैंक का, और वो इनोसेंट रिमार्क क्या था कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है और मेरा सैलरी रोक के रखा हुआ है, मैं ये जॉब को छोड़ना चाहता हूँ. यही जो था वो बैंक के जो कलेप्स करने में रिजल्ट जो उसका परिणाम निकलता है. सीताराम टेल्स मिसेस प्रकाश दैट नाथू वॉन्ट्स टू लीव द बैंक बिकॉज द बैंक डज नॉट पे हिज सैलरी. अब जो सीताराम है वो मिसेस प्रकाश को ये बता देता है कि वो बैंक छोड़ना चाहता है क्योंकि बैंक जो है उसको सैलरी नहीं दे रहा है. ही फर्दर एड्स दैट दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, और वो कहता है कि बैंक जो है वो शॉर्ट ऑफ मनी होगा, यानी कि उसके पास पैसों की कमी हो चुकी होगी. दिस न्यूज़ स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, और ये न्यूज़ आज जंगल की आग की तरह फैल गई. सेठ गोविंद राम वॉज अनअवेयर ऑफ दिस न्यूज़, सेठ गोविंद राम को इस न्यूज़ की भनक भी नहीं थी. In this way, his ignorance about his bank employees' problems regarding salary causes a chaotic situation. और इस तरह से अब क्योंकि वो उसका business dealings जो थी बहुत बेतरतीब बार थी, वो ध्यान नहीं देता था बैंक की तरफ ज़्यादा, तो इसी वजह से जो अस्त व्यस्त स्थिति थी वहाँ पे वो उसका सामना करना पड़ा. अनकन्वर्जेंट मीन्स नॉट अवेयर, वो किस चीज़ से अवेयर नहीं है. ही इज़ अनकन्वर्जेंट अबाउट हिज बिजनेस डीलिंग्स, वो अपने बिजनेस डीलिंग के बारे में अनकन्वर्जेंट है. व्हेन द न्यूज़ ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ पीपल नगर बैंक इज़ इन द फाइल ही डजंट एक्सप्लेन द सिचुएशन, जब बैंक्रप्सी की
न्यूज़ जो है पीपल नगर बैंक की वो फैलती है, फाइल हो जाती है, तो वो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, बट रिमेन साइलेंट, लेकिन चुप रहता है, विच कॉजेज पैनिक अमंग पीपल, जो कि लोगों में घबराहट पैदा करता है, क्योंकि लोग उसे कॉल भी करते हैं, वो कॉल पिक नहीं करता है, तो लोग अलग अलग तरह के जो नतीजे हैं उन पर पहुँचते हैं बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ सेठ गोविंद राम. अब गोविंद राम क्योंकि फ़ोन पिक नहीं कर रहे लोगों का और चुप है, सम पीपल पैड स्टोन ऑन द बैंक, कुछ लोग जो हैं वो बैंक पे पथराव करते हैं, सो द पुलिस इज कॉल्ड टू डिस्पर्स द क्राउड, इसलिए जो पुलिस है उसको बुलाया जाता है ताकि उस भीड़ को खदेड़ सके. इन दिस वे आफ्टर रीडिंग द स्टोरी वी कंक्लूड दैट द पर्सनैलिटी ऑफ सेठ गोविंद राम इज इनसिग्निफिकेंट इन द स्टोरी. तो इस तरह से स्टोरी को पढ़ने के बाद हम उसके कैरेक्टर के बारे में यही जानते हैं कि उसका कैरेक्टर कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है. इस स्टोरी में मेन जो स्टोरी है वो नाथू के इर्द गिर्द ही घूमती है कि उसको सैलरी नहीं मिलती है, वो प्रॉब्लम में है, और उसका एक इनोसेंट रिमार्क कि वो बैंक छोड़ना चाहता है क्योंकि उसका सैलरी जो है वो रोक रखा है, उसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है सीताराम के द्वारा, और फर्दर मिसेस प्रकाश उसको और हाईलाइट कर देती हैं, और इस तरह से लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि बिना कुछ जाने समझे वो रिएक्ट कर देती हैं, और इस तरह से जो ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट होता है. तो इसमें जो सेठ गोविंद राम है उसका कैरेक्टर पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट स्टोरी में पाया जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सेठ गोविंद राम. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.